नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं निवृत शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। जी हां, आज रोज गढ़रेश्वर गांव में कांग्रेस पक्ष द्वारा तहसील संवाद कार्यक्रम का आयोजन गुजरात प्रदेश कांग्रेस प्रमुख श्री गौरव भाई पांड्या की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में नांदेड़ के विधायक श्री पी डी वासवा तथा नर्मदा जिला कांग्रेस प्रमुख हरिंद भाई के साथ गुजरात प्रदेश महिला अग्रणी दक्षा बहन तड़वी, आरोग्य समिति चेयरमैन दिनेश भाई तड़वी, माइनॉरिटी सेल के प्रमुख इम्तियाज भाई कादरी के साथ तालुका पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने अपने अपने अलग अलग प्रश्नों को संवाद कार्यक्रम के माध्यम से रखा। कार्यक्रम में मेहमानों ने प्रासंगिक संबोधन किया व इस कार्यक्रम में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रवासन सत्ताविल तथा आदिवासी समाज के साथ हो रहे अत्याचारों पर विस्तृत चर्चा की गई। संगठन को मजबूत बनाने के लिए शपथ दिलाई गई। गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। नर्मदा जिला कांग्रेस समिति ना प्रमुख भाई श्री नरेंद्र भाई, मन थी भाव थी अपना मन में अपना अहिया एक प्रश्न ये सरस रीते कोईपण जातने असाइनमेंट वगैरह रजूआत करी। खूब गम्य भाई सदस्य सरस बात करी, लगभग तमारा बदा जागे उन्होंने एक बात करी। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नो सत्ता विकास मंडल छे ए से जे तमे बात गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति ए समग्र गुजरात मा तमाम तालुका कक्षाए कांग्रेसना कार्यकर्ताओं साथे संवादनो कार्यक्रम आयोजित कर्यो छे। तेना भागरूपे आजे नर्मदा जिल्लामां संवादनी शरूआत थई छे। पहेलो कार्यक्रम अहींया दरडेश्वर तालुकामां आजे संपन्न थयो छे अने हवे पछी बीजा त्रण तालुका तिलकवाड़ा अने कारेदेड़ियापाड़ा अने सागबारा ए रीतना कार्यक्रम थशे। कार्यकरोनो प्रतिभाव खूब सुंदर प्रतिभाव आव्यो छे। બધાએ ખુલ્લા દિલે ચર્ચા કરી છે, આમાં સ્થાનિક પ્રશ્નોની પણ ચર્ચા થઈ છે અને પક્ષના સંગઠનની બાબતોમાં પણ ચર્ચા થઈ છે અને આવતા દિવસોમાં પક્ષ કઈ રીતે આગળ વધી શકે એ બાબતની પણ ચર્ચા થઈ છે। તમામ આગેવાનો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને આ પ્રકારના કાર્યક્રમનો પક્ષને અચૂકપણે આવતા દિવસોમાં ઘણો મોટો લાભ થશે એમ માનું છું। પ્રવાસન સત્તામંડળનો કાયદો કાળો કાયદો છે એમ કહું તો ઓછું કહેવાશે। આવા કાયદા તો બ્રિટિશ રૂલ પ્રમાણે બ્રિટિશરોના રાજમાં પણ નહોતા બન્યા। લોકશાહીમાં ડેમોક્રેસીમાં ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ફોર ધ પીપલ બાય ધ પીપલ એન્ડ ઓફ ધી પીપલ, લોકો માટે લોકો વડે અને લોકો થકી ચાલતી રાજવ્યવસ્થા હોવી જોઈએ। એની બદલે અહીંયાથી લોકો અને લોકોના પ્રતિનિધિઓની જ બાદબાકી કરવામાં આવી છે। એટલે પ્રજાસત્તાક હોવાનો અને લોકશાહીના મૂળ હાર્દનું આ કાયદા દ્વારા સ્પષ્ટપણે ખૂન થતું હોય એવું દેખાય છે અને આ કાયદાનો કોંગ્રેસ સખતમાં સખત શબ્દોમાં વિરોધ કરે છે।